महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम की कमान छोड़कर सभी को चौंका दिया था। अब ऐसी खबर आ रही है कि उन्होंने कप्तानी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि दबाव में आकर छोड़ी। इस बात का खुलासा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी आदित्य वर्मा ने किया है। आदित्य वर्मा का कहना है कि बीसीसीआई के संयुक्त सचिव अमिताभ चौधरी ने धोनी पर कप्तानी छोड़ने के लिए दबाव बनाया था। चौधरी ने मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद से धोनी से उनके भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछने को कहा था। एमएसके प्रसाद के फोन के बाद ही धोनी ने 4 जनवरी की शाम को कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि धोनी को झारखंड रणजी टीम का मेंटोर बनाया गया था। सेमीफाइनल में गुजरात के खिलाफ मजबूत स्थिति में होने के बावजूद झारखंड मैच हार गया। इस मामले को लेकर आदित्य वर्मा ने कहा है कि बीसीसीआई के संयुक्त सचिव अमिताभ चौधरी इस बात को लेकर नाखुश थे। इसके बाद उन्होंने मुख्य चयनकर्ता को फोन करके धोनी से उनकी भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछने को कहा था। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के वनडे और T20 की कप्तानी से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि धोनी अचानक कप्तानी छोड़ने का फैसला ले लेंगे और इसीलिए धोनी के इस फैसले के बाद तरह तरह की बातें हो रही हैं। वजह चाहे जो भी हो पर महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया की कप्तानी छोड़ चुके हैं। हालांकि उनके अचानक संन्यास लेने से उनके चाहने वालों को काफी धक्का लगा था और अब आदित्य वर्मा के बयान ने नई बहस छेड़ दी है। देखते रहिए टीवी लाइव।